केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केसीआर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां केसीआर सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को 1 लाख से अधिक आर्थिक सहायता देने की बात की है। तेलंगाना सरकार ने रविवार को अल्पसंख्यक समुदाय को 100% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अल्पसंख्यकों को वित्तीय मदद देने के फैसले ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बताया है। तो वही इन्होंने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो काफ़ी खुश है। आपको बता दें कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की गई है और इसके साथ कई सारे बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इसके बाद दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित किया गया। वित्तीय सहायता एक मुश्त अनुदान होगी, जो कि एक परिवार में केवल एक सदस्य को प्रदान की जाएगी। आवेदकों के लिए निर्धारित व्यक्तिगत आयु सीमा 2 जून 2023 को 21 वर्ष से 55 वर्ष तक है। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार सभी अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई, जो आंध्र प्रदेश में 500 करोड़ रुपए के लागत से भगवान श्री राम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में शाह ने कहा कि प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा युगों युगों तक समग्र दुनिया को हमारे बारे में बताएगी और हमने जिस तरीके से प्रभु श्री राम को पूजा है उसकी कहानी भी सुनाएगी। और यह इस अवसर पर अपने संबोधन में शाह ने कहा कि सनातन धर्म का संदेश देगी और वैष्णव परंपरा को देश और दुनिया में मजबूत करेगी। शाह ने कहा कि 108 हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र संख्या है। शाह ने कहा, तंगभद्रा नदी के किनारे मंत्रालयमय गांव में 10 एकड़ क्षेत्र में फैली ये परियोजना 2.5 साल में पूरी होगी। अमित शाह ने कहा कि मंत्रालयमय गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, साथ ही इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे तुंगभद्रा के किनारे महान विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था, जिसने आक्रांतकाओं को खदेड़ कर सर्वधर्म को पुनर्स्थापित किया। मुख्यमंत्री धामी की अमित शाह से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान रविवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच राज्य के राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों के अलावा समान नागरिक संहिता पर भी गहन चर्चा हुई। चर्चा भी ये है कि राज्य में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भी सीएम ने शाह से मार्गदर्शन मांगा है। बताया जा रहा है कि सीएम के अलावा शाह से उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के यही मायने टटोले जा रहे हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार का अगला कदम जल्द उठा सकती है। शुक्रवार को हुए ग्वालियर के रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा शिवराज सरकार पर कई निशाने साधे गए, जिसका अब जवाब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने 3 वर्ष में 27 नौकरियां दी, जबकि हम इसी वर्ष 55,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। शिवराज ने कहा, वो पूछते थे 18 साल में क्या हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। 18 साल पहले गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढा पता नहीं लगता था। हमने 4,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। वो जमाना था जब बिजली में कभी कभी दर्शन होते थे। 29,000 में मेगावाट के स्थान पर 28,000 मेगावाट की सौगात हमने दी। न पीने के लिए पानी था, ना ही सिंचाई के लिए। वो कहते हैं कि 27 रुपये रोज किसान की आमदनी है। अरे ऐसा झूठ तो मत बोलो कि पचे ही नहीं। 6,000 रुपये प्रधानमंत्री और 6,000 हम किसानों को प्रतिवर्ष देते हैं। हमने लगभग 45 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की। बहनों को लाडली बहना का सम्मान दिया, तब तंबाकू खिलाकर नवजात बेटियों की हत्या कर दी जाती थी। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबका साथ वाले नारा को एक दिखावा बताया है और साथ ही ये बयान उस समय दिया जब एक पोस्टर पे मानव मल रगड़ा गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के सबका साथ के नारे को दिखावटी बताया है और ये तब बताया है जब एक दलित पर मानव बल लगाया गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में एक महीने में ही दलित आदिवासी अत्याचार की दूसरी बेहद निंदनीय और पीड़ादायक वारदात हुई है जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। उन्होंने लिखा, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है। आदिवासियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हुए हैं। हर दिन 7 से ज्यादा अपराध हुए। मध्य प्रदेश में हमारे दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के नागरिक दशकों से भाजपाई कुशासन में अपमान का घूंट पी रहे हैं। आगे लिखा, भाजपा का सबका साथ केवल विज्ञापनों में सिमट कर एक दिखावटी नारा है, पीआर स्टंट बनकर रह गया है। भाजपा हर दिन बाबा साहेब अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय के सपने को चूर चूर कर रही है। हम मांग करते हैं कि छतरपुर जिले की इस घटना पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को लेकर के आज यानी कि 24 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी। इस केस में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। जैन के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस बीच 21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी। उन्होंने जैन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी। इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। गौरतलब है कि जैन 31 मई 2022 से ही हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।